देखिए, ये तो देश के करोड़ों जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावना को आघात करने वाला ये बयान है, और ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर हिम्मत है स्टालिन के बेटे में तो वो इस्लाम या ईसाई धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करके देखें, तो उन पर तो बोलने की हिम्मत नहीं है। तो सनातन धर्म हिंदू धर्म पर इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, किसी भी धर्म में कुछ त्रुटियां हो सकती है, उसको दूर करना एक बात है, लेकिन उसको कहना कि जड़ से उसको नष्ट कर देना, और तमिलनाडु तो हिंदू संस्कृति की कर्म भूमि रही है, इस देश के बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो सारे के सारे तो तमिलनाडु में। और आश्चर्य की बात है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी लोगों ने चुप्पी साध रखी है, और कांग्रेस के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं वो भी इस बयान के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मुंबई में अभी जो तीसरी बैठक हुई है, ये जो गठबंधन बना है ये हिंदू विरोधी है, और इसको हिंदू धर्म की भावनाओं से कोई दूर दूर तक इनको मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों के बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए राजनीति का विषय नहीं है, सवाल ये क्या रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, जन्माष्टमी, तीज, जितिया, गुरु नानक देव की जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, ये जो हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्व हैं, छठ की छुट्टी में भारी कटौती कर दी गई। अगर हिम्मत है मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेलुम की छुट्टी को रद्द करके तो देखते, तो भगवान कृष्ण जो इस देश के हिंदुओं के सर्वोच्च देवता हैं, जिनको लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनके जन्मदिन जन्माष्टमी की भी छुट्टी आपने रद्द कर दिया। अब मुझे दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है उसके समर्थन में खड़े हैं। अरे भी पढ़ाई होनी चाहिए मिस के पक्ष में, लेकिन इसके लिए शिक्षकों से जो गैर शैक्षणिक कार्य लिया जाता है, अगर उसमें अगर वो काम से शिक्षकों को विड्रॉ कर लिया गया होता तो छुट्टियों को रद्द करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसका ये हवाला दे रहे हैं, उसके धारा 27 में कहता है कि शिक्षकों से नॉन एकेडमिक कार्य में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट बनाना हो, जाति सर्वेक्षण करना हो, राशन बांटना हो, हर काम में टीचर, तो वहां टीचर लगाएंगे, और जो धार्मिक छुट्टियां हैं उसमें कटौती कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे। अभी रक्षाबंधन के दिन जबरदस्ती स्कूलों को खोला गया, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, स्कूल खाली पड़े थे। तो नीतीश जी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, हम भी चाहते हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन एक धर्म विशेष की छुट्टियों में कटौती कर अब शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। सर एक आखिरी सवाल है, लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में कई बार बोल चुके हैं, बीते दिनों उस पर एक कमेटी बनी और सर अधीर रंजन चौधरी को भी कांग्रेस की तरफ से उसमें शामिल किया गया था, लेकिन वो उस कमेटी से अपने आप को उन्होंने बाहर कर लिया है, चिट्ठी लिखी और वो कह रहे हैं कि मतलब जिन लोगों को रखना चाहिए था उनको नहीं रखा गया इस कमेटी में। देखिए सरकार ने संसद में जो सबसे बड़ा दल था उसके नेता को शामिल किया कमेटी में, अगर आपकी सहमति नहीं थी उस मुद्दे को लेकर तो आप वहां पर अपनी असहमति दर्ज करा सकते थे, नोट ऑफ डिसेंट दर्ज कराते आप, लेकिन आप तो पहले ही भाग खड़े हुए, तो अगर आपको रखा गया तो आप भाग खड़े होंगे, नहीं रखा जाएगा तो कहा जाएगा कि ये रखा नहीं गया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है, ये तो जो कमेटी थी इसके अंदर वैसे लोगों को रखा गया जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों में केवल अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी थे, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि को उसमें रहना चाहिए था। और भी कांग्रेस के जमाने में ही तो वन नेशन वन इलेक्शन होता है, 67 तक इस देश में किसकी सरकार थी, केंद्र में राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और सारे चुनाव एक साथ होते थे। तो अब अगर प्रधानमंत्री करें कि पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए, अरबों खरबों की बचत होगी, लोगों के समय की बचत होगी, नहीं तो साल भर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो ये तो देश हित का कदम है। तो इसमें अगर आपका
सहमति नहीं भी थी तो आप वहां बैठक में शामिल होकर तर्क के साथ विरोध करते और अपनी नोट ऑफ डिसेंट दर्ज कराते, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस के लोग भाग खड़े हो गए।